कैसा लगा मुझे ड्रीमगर्ल 2 का ट्रेलर? क्या ये फिल्म पहली वाली फिल्म के हिसाब से धंधा कर पाएगी? क्या ये फिल्म आयुष्मान का बैड लक बॉक्स ऑफिस पे तोड़ पाएगी? इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। धन्यवाद। दोस्तों सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूं। ड्रीम गर्ल जो पहली वाली थी वो मेरे हिसाब से आयुष्मान खुराना की वाइडेस्ट या मासीएस्ट बोल लीजिए फिल्म, उन्होंने आज तक को भी फिल्में बनाई हैं, आई थिंक इट वॉज दिस मासीएस्ट फिल्म एवर दैट ही हैज मेड। और फिल्म को काफी अच्छा रिसेप्शन भी मिला था, अच्छा बिजनेस भी किया था फिल्म ने, फिल्म वेंट ऑन टू डू वेरी गुड नंबर्स। तो फिल्म एक बहुत अच्छे बेस पे बैठी हुई है, और वो जो पूजा का जो किरदार है वो काफी पॉपुलर हो गया था और उसको मेकर्स ने काफी प्रमोट भी किया था, सो इट हैज बिकम पार्ट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स और लोगों को काफी पसंद आता है, और जो मार्केटिंग कैंपेन है वो भी बड़ा अच्छा से वो मेकर्स कर रहे हैं इस बार। तो नो डाउट कि फिल्म जो है एक अच्छी लग रही है लोगों को, और जो ट्रेलर रिलीज हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ट्रेलर में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आप ड्रीम गर्ल में खोजेंगे। आयुष्मान फुल फुल फ्लो में है, पूजा की भी झलक मिली, कहानी में ट्विस्ट है, अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, अनु कपूर, परेश रावल साहब, अभिषेक बैनर्जी, ये सारे लोग बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और वो बहुत कमाल का काम करेंगे, राजपाल यादव। तो पिक्चर एक ऑल आउट एंटरटेनर फुल ऑन मासी फिल्म लग रही है, क्योंकि ये जितने कैरेक्टर्स हैं ये बड़े मास अपीलिंग सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, और इनको मासेस ने बहुत प्यार दिया हुआ है इन सारे को, राजपाल को बोल लीजिए, परेश रावल जी को बोल लीजिए, अनु कपूर साहब को बोल लीजिए, अभिषेक बैनर्जी ऑफ लेट इज बीइंग ग्रेटली लव्ड बाय एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड, इज ऑल्सो अ वेरी फाइन एक्टर, एंड आयुष्मान ऑल्सो। आयुष्मान हैज हैड अ वेरी बैड रन पोस्ट कोविड, हिज फिल्म्स हैवंट रियली परफॉर्म्ड एट द बॉक्स ऑफिस, ऑल्दो ही इज डन रियली गुड वर्क, ही इज अ गुड एक्टर नो डाउट, बट वो प्रोडक्ट वो नहीं लेके आ पाए हैं आज तक। तो मुझे लगता है कि ड्रीम गर्ल 2 उनका बैड रन तोड़ेगी। कितना धंधा निकालेगी, विल इट बी एबल टू डू मोर देन ड्रीम गर्ल 1, आई डोंट नो, वो फिल्म के कंटेंट और फिल्म की ओपनिंग पे पता चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आई कैन डेफिनेटली एंड सेफली से कि ये फिल्म काफी अच्छा बिजनेस करने जा रही है। 75 करोड़ का धंधा कर ले, 70 करोड़, 100 करोड़ आसपास चली जाए, 60-70 करोड़, यू नो दैट बी अ वेरी गुड नंबर, बट टू एक्सपेक्ट इट टू बीट ड्रीम गर्ल 1 वुड बी अ स्लाइटली टफ कॉल, कंसिडरिंग दैट द मार्केट हैज ग्रेटली चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जिस तरीके का मासी एलिमेंट है, यू नेवर नो, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड इट कैन ऑल्सो डू इट इफ द फिल्म इज वेल मेड, और ट्रेलर से तो पूरा पैसा वसूल दिख रहा है पिक्चर। तो ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया, काफी अच्छा लगा ट्रेलर। ट्रेलर में सारे एलिमेंट्स हैं, गाने हैं, वो पूरा तामझाम, वो जो एक वाइड ब्रॉड एंटरटेनर का होता है वो सब कुछ दिख रहा है, तो लोगों को डाउट नहीं होगा मन में पिक्चर में जाने का कि भैया देखें कि नहीं देखें, ये सही पैसा वसूल होगा कि नहीं, क्योंकि ये लग रहा है कि ये पैसा वसूल है, और आई डोंट थिंक पीपल विल थिंक ट्वाइस और थ्राइस टू वॉच दिस फिल्म इफ दे हैव सीन ड्रीम गर्ल इन द थिएटर। तो आई थिंक दे विल डेफिनेटली गो एंड वॉच, और पीरियड ऑफ टाइम से थोड़ा ड्रीम गर्ल का फैन बेस बड़ा भी होगा, तो मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए। बट कोविड के बाद में ऑडियंस की संख्या में काफी कमी आई है, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस ये फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। आई एम वेरी होपफुल कि दिस विल पुट अप वेरी गुड नंबर्स एंड फाइनली एंड अ वेरी गुड एक्टर्स ड्राई रन एट द बॉक्स ऑफिस, बिकॉज ही डिजर्व्स मच बेटर। आई थिंक इज अ रियली गुड एक्टर, एंड आई वी नीड एक्टर्स लाइक आयुष्मान डूइंग वेल। आई एम सो हैप्पी टू सी विक्की कौशल हैज डन वेल, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स वी हैव, उनका भी पिक्चर अच्छी चली है जरा हटके जरा बच के। कार्तिक आर्यन इज डूइंग वेल, सो वी नीड दीज यंग गन्स टू फायर, ताकि ट्रेड में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, बॉलीवुड में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ताकि शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन और ये ऋतिक रोशन, इनके अलावा भी कोई लोग आए जो हैवी लिफ्टिंग कर सकें, 100 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, 125 करोड़ का धंधा निकाल सकें और थिएट्रिकल बिजनेस को बूस्ट कर सकें। सो वी नीड मोर एक्टर्स फायरिंग फॉर द इंडस्ट्री टू डू वेल, एंड आई एम रियली होपफुल दैट ड्रीम गर्ल 2 विल बी दैट फिल्म दैट विल pull Ayushman out of his bad run, and he will deliver a hit hopefully with this film. It looks like a hit, smells like a hit. I hope the audience makes it a hit. Thank you.